वेलकम फ्रेंड्स टू चैनल, हम कृष्ण बागुल। डिफेंस, वी आर थिंकिंग अबाउट पावर थिंकिंग। डिफेंस, जितने भी महान लोग इस दुनिया में हुए, उन्होंने एक चीज पर बहुत बल दिया है, वह है जब आप पॉजिटिव थिंक करते हैं, पॉजिटिव विचार रखते हैं, तो जिंदगी में आपकी जिंदगी में अच्छी चीज होने लगती है। डिफेंस, यदि ये महान लोग सही कह रहे हैं, मेरे आपके साथ यकीन होगा कि संसार की महान हस्तियां यदि सोच को इतना ताकतवर मानती है तो वह सत्य होगा। यदि यह सत्य है तो हर विचार बेशकीमती है। इस दुनिया की रीत के अनुसार हर बेशकीमती चीजों सोच समझकर खर्च की जाती है। तो विचारों को इंसान इतने हल्के में क्यों लेता है? यदि विचारों में इतनी शक्ति है तो हर बार सोचने के पूर्व मन में प्रश्न आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए कि यह विचार जीवन को संवारेगा या बिगाड़ेगा। अवचेतन मस्तिष्क के विशेषज्ञ कहते हैं कि जो आप लगातार सोचते हैं, पूरे समर्पण से सोचते हैं, पूरी शक्ति से सोचते हैं, वैसे ही परिणाम को अपनी और आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यदि ये सत्य है तो क्या हर विचार को जीवन में स्थान देने के पूर्व आप सोचते हैं कि आप वैसे परिणाम पाना चाहते हैं या नहीं? साथियों, यदि सोच वाकई इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है, यदि सोचा हुआ एक हकीकत बन सकता है, यदि सोचने में पैसा नहीं लगता, यदि सोच जीवन में सुखमय और समृद्ध बना सकती है, तो दुनिया का हर इंसान हमेशा वह क्यों नहीं सोचता जो वो पाना चाहता है, जो हासिल करना चाहता है, वो जो बदलाव करना चाहता है। डिफेंस, काश ऊपर वाला विचारों पर टैक्स लगा देता। यदि ऊपर वाले की दुनिया में बनाने वाली कमेटी का मैं हिस्सा होता तो विचारों पर निश्चित रूप से टैक्स लगा देता। हर इंसान को विचार करने की कीमत देनी होती। हर अच्छे विचार पर भी आपके अकाउंट से कुछ धन निकल जाता और हर बुरे विचार पर भी। मैं यकीन से कहता हूँ कि दुनिया उसके बाद ज़्यादा खुश हो जाती। हर इंसान योजना बनाकर सोचता और सिर्फ श्रेष्ठ सोचता। हर व्यक्ति जलनहीनता, निराशा, हताशा, नकारात्मकता आदि के विचारों से दूर रहता, क्योंकि इन अनुत्पादक विचारों पर भी शुल्क लगता। धीरे धीरे इंसान सोचता, थिंक करता कि यदि पैसा खर्च करना ही है तो बुरा सोचने में क्यों करें। साथियों, यदि आप मानसिक रूप से सामान्य हैं तो यह संभव नहीं है कि आपको अच्छे और बुरे विचारों में फर्क मालूम ना पड़े। सभी हीन विचार और श्रेष्ठ विचारों में फर्क जानते हैं, समृद्ध और गरीबी के विचारों में फर्क जानते हैं, सदाचार और दुराचार के विचारों में फर्क जानते हैं, ऊर्जा और आलस्य के विचारों में फर्क जानते हैं। मुश्किल ये है कि हम अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, यदि हम जानते भी है कि कहाँ गलती कर रहे हैं तो भी हम उस सच का सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि हम विचारों पर कंट्रोल नहीं रखते। इसलिए अनचाहे विचार भी हमें घेर कर प्रभावित कर देती है। डिफेंस, मेरा अनुभव कहता है कि इंसान को घटिया और संकुचित सोच की कीमत आज भी चुकानी पड़ती है। बड़े अकाउंट से तुरंत पैसे नहीं निकलते हो, लेकिन नकारात्मक सोच से जीवन से सुख समृद्धि का अकाउंट कम हो चला जाता है। हम इस कारणों को सीधा समझ नहीं पाते, लेकिन उसका मूल कारण हमारी सोच होती है, हमारे विचार होते हैं। डिफेंस, आखिर इंसान अधिकांश किन विचारों में घिरा होता है? जो मुद्दे आपके नियंत्रण से बाहर है, आपके कंट्रोल से बाहर है, उनकी चिंता से मुक्त हो जाइए, और जो मुद्दे आपके नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, उनकी चिंता की बजाय समाधान पर कार्य कीजिए। थिंकिंग के सिद्धांत क्या है? जीतने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम दूसरों को ही छोटा बनाएं, हम खुद को बड़ा बनाकर भी जीत सकते हैं। फ्रेंड्स, जिंदगी में सीमित समय है, उसे किसी और की नकली जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। दूसरे क्या सोचेंगे, जीवन का यह आधार नहीं होना चाहिए। दूसरों को राय के छोर में अपने अंतर्मन की आवाज को मत दबने दो, अपने दिल की सुनने का साहस करो। डिफेंस, पावर थिंकिंग का प्रथम सिद्धांत आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण क्या है? क्या आत्मनिरीक्षण सरल है? सच्चाई क्या है? आत्मनिरीक्षण करते हुए गौर कीजिए, ईश्वर ने करे आत्मनिरीक्षण। डिफेंस, आत्मनिरीक्षण हमारे जीवन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफेंस, क्या है आत्मनिरीक्षण? हर व्यक्ति सुधार चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि चाहता है कि ये सुधार दूसरे से शुरू हो। डिफेंस, क्या है आत्मनिरीक्षण?
पावर थिंकिंग का प्रथम सिद्धांत है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपनी सोच का निरीक्षण। हमें ये जानना है कि सामान्य रूप से हम किन विचारों के प्रभाव में होते हैं। हमारे सोचने का मूल सिद्धांत श्रेष्ठता का है या सामान्यता का। हम जीवन में खुश रहने में यकीन करते हैं या निराश रहने में। हम हर उपलब्धि का आनंद लेते हैं या अवसर तनाव पाले रहते हैं। अन्य लोगों की प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स से हम तुरंत प्रभावित हो जाते हैं या हमारे भीतर स्वतंत्र निर्णय लेने की एबिलिटी कैपेबिलिटी क्षमता है। आत्मनिरीक्षण अपने जीवन की लाइव मैच देखने की तरह है। इस सिद्धांत में आपके जीवन में जो घट रहा है उसे सिर्फ देख के जाना है। आत्मनिरीक्षण करते हुए आपको अन्य कड़वे वो मीठे अनुभव होंगे। यदि आपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाए हैं दोस्तों, तो आत्मनिरीक्षण करते हुए आप अपनी दिशा का मूल्यांकन कर पाएंगे। आप जानेंगे कि आपके जीवन में लक्ष्यों की दिशा में जो हो रहा है अथवा नहीं। यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो वो भी आत्मनिरीक्षण के दौरान आपको महसूस होगा। फ्रेंड्स, आत्मनिरीक्षण करने का कार्य आपके अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ये ईमानदार जिम्मेदारी आपको खुद उठानी होगी। इस कार्य में आपको देखना है कि आपकी मनोदशा कैसी रहती है, किन परिस्थितियों में आपके चेहरे पर मुस्कान आती है और किन में उदासी। पूरी ईमानदारी से आपको अपने विचारों का निरीक्षण करना है। आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, कुछ करना या रोकना नहीं है, सिर्फ देखना है। जिस तरह आप एक गुजरती हुई ट्रेन को देखते हैं, आकाश में इंद्रधनुष देखते हैं या कड़कती हुई बिजली को देखते हैं, आप इन सब को सिर्फ देख सकते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी वर्तमान मनोदशा को भली भांति नहीं समझेंगे, पावर थिंकिंग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। पावर थिंकिंग की शुरुआत ही भीतर से होती है। पहले इंसान स्वयं का भीतर से शुद्धिकरण करके सशक्त बनता है, पावरफुल बनता है, फिर बाहरी दुनिया की ओर कदम बढ़ा सकता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।